वाले ने इलाके के सुबह लगभग 4 बजे ट्रेन में बैग छीनकर भाग रहे चोर को पकड़ने के चक्कर में मां और बेटी की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। घर में बंद करके बेरहमी से युवक की पिटाई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की जान बचाई। कुशीनगर में युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को घेरकर महिलाओं ने पीटा। नीमच जिले के सबसे बड़े संस्कृति महोत्सव का आयोजन रविवार 4 अगस्त को। प्रभारी मंत्री उपेंद्र ने हाथरस जिला बांग्ला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेशों को विकास प्राधिकरण ने आगरा ने दिखाया ठेंगा। भाजपा नेता योगेश प्रसाद सिंह बैगल नेता में हजारों कार्यकर्ताओं को किया जोरदार स्वागत। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान पुलिस ने शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। रामपुरा समाधान दिवस में तहसीलदार करमवीर सिंह व थाना प्रभारी निरीक्षण भगवती प्रसाद मिश्रा के निर्देशन में हुआ संपन्न। थानाकुंड संस्थान महत्व महान मंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज ने काटी हाथों की नस। शाहजहां में आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए नकेड़ी कानगो ने खेत की माप करने का किया प्रयास। कुशीनगर में अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। सुल्तानपुर लोधी के पास एक गांव के सड़क पर अज्ञात नौजवान का शव हुआ बरामद। एंडी रोमियो प्रभावी दीपिका पांडे की टीम से दहशत में है शौदी। सोनकर शासकीय कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल की हालत जर्जर। फिरोजपुर झील का विधानसभा क्षेत्र के रामलीला मैदान में महिला सम्मेलन में बड़ी तादाद में महिलाओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिसमें सम्राट इंटर कॉलेज की और छात्राओं ने नाटक के माध्यम से किया जागरूक। गोंडा में नाबालिग बच्चे चला रहे ट्रैक्टर ट्रॉली, किसी का नहीं है तो। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।